ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बेटा पता है आपको? ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या ठीक है, है? ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है। ह्यूमन हार्ट में एट्रियम और ऑरिकल अलग अलग होते हैं। आप एट्रियम को ऑरिकल नहीं कह सकते। ओपनिंग्स बता दें, लेफ्ट एट्रियम में कितनी ओपनिंग होती है? गुड, ये चार मौजूद हैं, ये चारों की चारों उसकी हैं पल्मोनरी ओपनिंग्स। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में दो ये कौन सी है? ठीक सुपीरियर एंटीरियर वेंट्रिकल है, सुपीरियर बना क्या हुआ और इंफीरियर बना क्या? ये ओपनिंग कौन सी है? गुड, शाबाश। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, और ये मौजूद है आपके पास राइट एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल। बेल्स बताइए कौन से कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर ओपनिंग के जो बेल्स मौजूद होते हैं वो कौन से बेल्स होते मिट्रल हैं? विट्राल बेल्स। यहाँ पे विट्राल बेल्स, यस, फॉर्म बाइकस्पिड बेल्स ही होती है। अगर हम हार्ट को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ दो कस्प होते हैं, इसके अंदर टोटल तीन कस्प होते हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, तो एक जगह में दो वेल्स हैं, एक जगह उसमें तीन तीन कस्प। ओके, उसके बाद आइए लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। ठीक है, दिस इज एओर्टिक ओपनिंग। कौन से वेल्स हैं यहाँ पे? ठीक है, सेमी लूनर वेल्स। दिस इज ओपनिंग फॉर पल्मोनरी आर्टरी। कौन से वेल्स हैं? ठीक है, सेमी लूनर वेल्स। आपसे पूछ रहा हूँ, इसको नाम लेबल करें क्या है, और ये क्या है, ये और ये। डायस्टोल सिस्टोल और डायस्टोल का ताल्लुक तो फिजियोलॉजी से, ये आपके पास दीवार कहलाती है। आप बोले इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये वाली दीवार क्या कहलाती है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, चलिए, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्स हैं, इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्स में इनकी जो बेस है, यहाँ पे कुछ मसल्स मौजूद होंगे, ये मसल्स कराएंगे पेपिलरी मसल्स, और यहाँ पे आपके पास कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये कराएंगे कॉर्डाइटेंडिनाई। ठीक है, कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे यहाँ पे, वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स कराएंगे कॉर्डाइटेंडिनाई। ठीक है, जो हार्ट के वेल्स को इस तरफ खुलने नहीं देते, ऐसा ना हो कि अगर यहाँ प्रेशर पड़े तो उस तरफ अंदर की तरफ खुलते, जैसा हमारा दरवाजा है ना बाहर की तरफ ही खुलता, अंदर की तरफ तो नहीं खुलता ना, ओके, वो चौखट लगी हुई है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास ये बाइकस, ये कॉर्डाइटेंडिनाई, और उसकी बेस पे क्या मौजूद है? उसकी बेस पे पैपिलरी मसल्स। ठीक है, चलें फर्दर आइए, इसके अलावा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बताइए। घर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में ये कुछ मौजूद है। ठीक साइड में है, शाबाश, ये क्या है? साइड में
एट्रियो एंट्रिक ये कुछ होता है पी और फिर ये कुछ होता है। स्पिन दिस इज कॉल्ड एससी नोट, दिस इज कॉल्ड एबी नोट, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ दिस एंड दैट, दिस इज कॉल्ड फॉर दीज थ्री पार्ट्स। ठीक है, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। चलिए इसके बाद आइए आपसे हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को हम कार्डियक साइकिल भी नाम दे सकते। बोले सबसे पहला स्टेप, तीन स्टेप्स बताने, पहला स्टेप कौन सा है? एट्रियल सिस्टम एट्रियल सिस्टोल, जी डायस्टली ऑफ एट्रिया। देखें आपने जो बोला ना एट्रियल सिस्टोल, सिस्टली कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टली कहते हैं रिलैक्सेशन। एट्रिया के पास ब्लड ही नहीं आया तो आगे का भेजे, पहले तो ब्लड देगा। आप गिलास से पानी भरेंगे तो पीएंगे ना, बगैर उसके क्या पानी पिएंगे, खाली गिलास तो नहीं पिएंगे। सबसे पहला स्टेप है एट्रियल डायस्टली, यानी कि आपके पास ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व नहीं बन रहे और इनके अंदर जो दोनों एट्रिया इनके अंदर खून आ जा रहा है, ये कहलाता है डायस्टली ऑफ एट्रिया। डायस्टली ऑफ एट्रिया का मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, दोनों एट्रिया जो है वो आपके पास रिलैक्स्ड हो। ठीक है, दोनों एट्रिया जो है वो आपके पास क्या होंगे, वो रिलैक्स। उसके बाद आइए दूसरा स्टेप है आपके पास, दूसरा स्टेप बोलेंगे आप सिस्टम सिस्टली होगी, एट्रियल सिस्टली, और उसके साथ साथ क्या होगा, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होंगे लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, वेंटिकल्स रिलैक्स एंड डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, एंड डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल्स, एट्रियल सिस्टली एंड डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल्स। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रखिए, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वेल्व खुल जाएंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व खुल जाएंगे। और ब्लड कहाँ आएगा, राइट साइड पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है, ठीक है, वेंट्रिकल जो है उसके अंदर जो है वो ब्लड है, तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, एट्रियल सिस्टली एंड डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल्स। इस वक्त ये वेल्स खुलेंगे तो ही ब्लड आ सकता है। अब वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आ गया तो तीसरा स्टेप क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स को कौन, डायस्टली तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आ गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये देखो वेंट्रिकल्स फैले हुए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल्स फैले हुए, उनके अंदर ब्लड भर गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि खून आगे जाए। ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में चला जाएगा और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, लेकिन उसके लिए सेमिलिनर वेल्स खोलेंगे जरूर, दोनों सेमिलिनर वेल्स खोलेंगे। ठीक है, ये देखें, ये दोनों वेल्स बंद हो गए, इसके शुरू होने से पहले पहले ये वेल्स बंद हो जाते,
फिर यहाँ पे आपके पास एओर्टा के अंदर ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा, जब सिस्टोली ऑफ वेंट्रिकल हो रही है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेमी ल्यूनर जो है वो ओके है। हमारी जो हार्ट साउंड आती है, जो हार्ट साउंड आती है उसमें आपके पास फर्स्ट हार्ट साउंड है और सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाय एंड ट्राइकस्पिड, और सेकेंड हार्ट साउंड आती है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्स। सेमी ल्यूनर वेल्स के क्लोज होने की वजह से आपको सेकेंड हार्ट साउंड मिलेगा। ठीक है, लब डब जो हार्ट साउंड आती है ना, याद रखें वेल्स के खुलने पे साउंड नहीं आता, क्लोज होने पे साउंड। ठीक है, चलिए मैंने आपको कार्डियक साइकिल बता दी, कार्डियक साइकिल बता दी। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, अपने आप को सबसे पहले ब्लड देता है, ये देखिए हार्ट का सुपरफिशियल व्यू है। ये जो एओर्टा निकल के जा रहा होता है ना, यहां से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ है। असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा है, यहां से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो वन इज राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड द अदर इज लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी और एक लेफ्ट कॉर्नरी, जो हार्ट के अपने मसल्स को ब्लड देते। ठीक है, हार्ट अपने आप को ब्लड देते हैं जब वो रिलैक्स होते। ठीक है, रिलैक्सिंग स्टेट में हार्ट अपने आप को ब्लड। चलें इतना नोट करेंगे, कर लें।
जितने ये जवाब दे रही थी बेटा आपको भी उतना ही आता है। उसको बेटा सही मतलब आता है यार। नहीं इसके बाद वाला आता इसकी नहीं पैथोलॉजी नहीं आती। नहीं चले कोई बात नहीं। तो मैं आपने बता तो नहीं तो देखिए मैं फास्ट किया ना सी। और लिम्फेटिक सिस्टम भी तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह 2 घंटे की क्लास है। आपकी स्पीड पे मेरी स्पीड डिपेंड करती है। और स्पीड
इसके बाद आएंगे पढ़ो। सर अगले क्वेश्चन आए मिस्टर इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल तो हम ये वाले साइड हाँ, अभी वाले सारे लिखेंगे, डाइस्ट्रिया ऑफ एट्रिया। और सर मैंने आपसे पूछा था कि एसन सर ने आपसे बुकलेट का पूछा था कि नहीं पूछा था, ये जो बुकलेट आपको सर एसन ने ऑफर की थी उसमें ना कुछ लिखा हुआ ये सब चीज टाइम ड्यूरेशन लिखना होती है टाइम स्टीलेशन। ड्यूरेशन सब क्यों हम एक बात बताएं, नॉर्मली जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है वो 72 पर मिनट है, कार्डियक साइकिल का टाइम है 0.83 सेकंड। अगर आप निकालेंगे ना, यानी कि 1 सेकंड से कम इवेंट में आपके भाई ये टाइम पूरा हो जाए। अब इसका थोड़ी टाइम मेंशन करेंगे आप, वो लेकर आइएगा मेरे पास इसका नंबर कार्डिंग। उसकी तो अलग कोई कार्डियक साइकिल आपके कोई टाइम नहीं दिया हो, वो मेरे पास रखी थी आपको रखी निकाल के दे। वो कुछ और किसी आप समझ लीजिए जिसकी वजह से उसका टाइम कटा हो। ये यहाँ पे जो इस जगह पे यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है 0.15 सेकेंड, उसको कहते हैं एवी डिले। टोटल कार्डियक साइकिल 0.83 सेकेंड्स की, जब यहां से इलेक्ट्रिकल मैसेज निकलता है और फिर यहां पे पहुंचता है उसको 0.15 सेकेंड, उसको कहते हैं एवी डिले। हो सकता है आपसे वाली बात पूछी गई। चलो इसके बाद बेटा आपसे बात करूं, जो हार्ट की जो दीवार है इसकी लेयर्स बता रहा हूँ, या आप मुझे बता दो। जो हार्ट की पेरिकार्डियम है ना उसकी लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है? ठीक है, सबसे अंदर जो लेयर है यह मौजूद है एंडोकार्ड। उसके बाद कौन सी लेयर है? गुड, दिस इज मायोकार्डियम। अच्छा अब उसके बाद कौन सी है? तीन दीवारें मैंने बनाई हैं, ये और ये, बीच में आपके पास ये जो जगह है ना ये पेरिकार्डियल स्पेस कहलाता है। पेरिकार्डियल स्पेस, स्पेस की एक तरफ ये लेयर है एक तरफ ये लेयर है। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं विसरल पार्ट ऑफ सीरस पेरिकार्ड, और ये जो बाहर वाली लेयर है ये कहलाती है पेराइटल पार्ट ऑफ सीरस। ठीक है, इन दोनों के दरमियान पेरिकार्डियल स्पेस हो गई जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड हो। अब उसके बाहर जो लेयर होती है ये कहलाती है फाइब्रस पेरिकार्ड। ये सारी लेयर्स मिलकर ये एपिकार्डियम कहलाती है, एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्ड। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स कॉरोनरी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, वो मायोकार्डियम और इसके दरमियान मौजूद जो ब्लड वेसल्स बने आपको कॉरोनरी ब्लड वेसल्स दिखाई मैं यहाँ यहाँ मौजूद। सबसे अंदर एंडोकार्डियम, फिर उसके बाद मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के बाद पेराइटल लेयर ऑफ सीरस है, विस्टर लेयर ऑफ सीरस, दोनों के दरमियान पेरिकार्डियल कैविटी स्पेस मौजूद है, और सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक, चलिए इसके बाद आइए फर्दर। ये मैंने आपको हार्ट के बारे में ही बता दिया, इसके बाद मैं आपको ईसीजी के कंपोनेंट्स बता दूं। देखिए ईसीजी के अंदर इसमें आपको सबसे पहले लेबलिंग आनी चाहिए, ये कौन सी वेव है? दिस पी इज पी वेव।
ये पूरा क्या है? क्यू आर एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। नीचे जो जा रही है ये क्यू है, ऊपर जो जा रही है ये आर है, और ये नीचे जो आ रही है ये एस। ये कौन सी है? दिस इज टी वे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपके पास ये पी आर इंटरवल करा, दिस इज कॉल्ड पी आर इंटरवल। और यहां से लेके यहां तक ये कराती है आपके पास एस टी इंटरवल। पी वेव क्यों प्रोड्यूस होती है और टी वेव क्यों प्रोड्यूस होती है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की वेव क्यों प्रोड्यूस होती है? पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो पूरा है ये शो करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और टी वेव जो है ये शो करती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन होती है उसके दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है डिपोलराइजेशन एक होता है रिपोलराइजेशन। जो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उसमें आपको ये दो स्टेप्स डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के मिलेंगे। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, 72 पर मिनट। ये जो आपके पास टाइम पीरियड होता है पी आर इंटरवल का, इसका टाइम होता है। ठीक है, इनके टाइमिंग होते हैं जिससे हार्ट रेट वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। ईसीजी के अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, उसी को चेक किया जाता है। दिस इज द ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया है, ये वाली बात नोट कर लें। और ये वाली बात आपके ध्यान में आएगा सर, ये जो सिस्टरी है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर याद रखें डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों का कॉम्पोनेंट। ठीक है, जो एक सिस्टरी होती है उसके अंदर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों आ 12 लीड्स लगाते हैं जब चेस्ट पे, तो जो करंट यहां से निकल के जा रहे हैं ऐसे नोड से पर्किंजी फाइबर्स तक, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेव की शक्ल जो है वो आपके पास इसी की शक्ल में कैलकुलेट होती है, जारी होती है, तो वो कार्डियक एक्टिविटी को जाहिर करे। दिस इज शोइंग कार्डियक एक्टिविटी।
आगे बढ़ो, ठीक है, पूरा मिटा सकता हूँ। आप इससे मुझे भी आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर बताया कि मैं आर्टरी डिसऑर्डर्स आपको उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि पहले आर्टरी और वेन के डिफरेंस बताना चाहिए। बोले आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर तीन क्या? दोनों में 3 ईयर्स नहीं, होती है, और क्यों का पीछे वाले होती है, आगे वाले क्यों का इंटरनेट और पीछे वाले क्यों का होती ठीक है। और है, और वेलिंग का लिमिट लार्ज होता है, आर्टरी का स्मॉल होता है, फिर कनेक्टिव आर्टरी का कम होता है, और वेलिंग डीपली पेंट्रेटिंग है, आर्टरी डीपली पेंट्रेटिंग होती है, तो बस इसके लिए आर्टरी डीपली पेंट्रेट होती है इसके लिए। फाउंड इन डेप्थ और वेन जो है प्रोफेशनल होती है स्किन के अंदर, नहीं आर्टरी तो मसल्स के भी नीचे होती है और वेन जो है प्रोफेशनल होती है। आर्टरी ब्लड से डाइल होती है। आर्टरी की डेफिनेशन क्या है? हाउ यू विल डिफाइन आर्टरी? ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेगा। आर्टरी जो है थिक वॉल्ड है, मोर इलास्टिक है, नैरो ल्यूमेन है, पल्सेटाइल होती है, फाउंड इन डेप्थ, नो वेल्स, उसमें वेल्स मौजूद नहीं। ये थिन वॉल्ड होती है, लेमिनल इलास्टिक होती है, वाइड ल्यूमेन है, नॉन पल्सेटाइल होती है, फाउंड सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल ही मिलती है, वेल्स मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा अब आइए डिसऑर्डर एथ्रोस्क्लेरोसिस बता रहा हूँ। एथ्रोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं जी? आप ऐसे कोई डेफिनेशन बताएगा व्हाट इज एथ्रोस्क्लेरोसिस? स्क्लेरोसिस कहते हैं नैरोइंग को, ठीक है, जिसका इसका मतलब होता है नैरोइंग। ये आर्टरी है, ये सबसे अंदर वाली लेयर इसकी ट्यूनिका इंटीमा, ये मीडिया और सबसे बाहर वाली लेयर एडवेंटिशिया कहलाती है। तो होता क्या है कि ट्यूनिका इंटीमा जो है इसके अंदर सबसे पहले फैट्स डिपॉजिट होना शुरू होती है और फिर उसके बाद ये फैट्स इस सुराख को छोटा करना शुरू कर। इससे क्या होता है कि आपके पास इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो होना शुरू होता है। अगर आप आर्टरी के साइड व्यू में देखें, ठीक है, तो आप उसके अंदर जो है वो इस तरीके से रेस पैच पैच नजर आए। तो हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन नैरो हो गया। पहले अगर ब्लड जा रहा था तो बिल्कुल सीधा जा रहा था,
अब ब्लड यहां से इतने छोटे से सुराख में से जा रहा है, ये कहलाती है आपके पास एथ्रोस्टेट्स। एथ्रो का मतलब आर्टरी होती है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन साइड द ल्यूमेन, कहलाती है एथ्रोस्टेनोसिस। अच्छा, अगर कॉरोनरी आर्टरी काफी हद तक नैरो हो गई है तो ऐसे मरीजों को एंजाइना वगैरह फील होता है, सीने में दर्द महसूस, सीढ़ियां चढ़ें या ज्यादा काम करें उनको महसूस होता है उनका सीना जो है वो भारी, उसमें उनको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको एंजाइना फील होगा। ठीक है, और हार्ट अटैक वाली कंडीशन तब जाहिर होती है जब ये पूरा का पूरा रास्ता जो है अचानक से ब्लॉक, अगर ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक वाली कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या उसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं, दिस इज नोन एज इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ सेल्स ऑफ हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की, ये चीज क्या कराती है, चीज कराती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्कीमिक नेक्रोसिस। स्कीमिया कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, नेक्रोसिस कहते हैं डेथ ऑफ सेल्स। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है ना, बाद लोगों में ये भी होता है कि ये जो एथ्रोमेटस प्लाक है, दिस इज कॉल्ड एथ्रोमेटस प्लाक, ये जो एथ्रोमेटस प्लाक है ये यहां से निकल जाता है, जब यहां से निकल जाता है तो फिर यहां पे प्लेटलेट्स जमा होते हैं, क्योंकि इंजरी हो जाती है तो यहां प्लेटलेट्स जमा होते हैं, प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट बाद बार इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर थ्रोम्बस डिवेलप। ठीक है, थ्रोम्बस इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये दरअसल आपके पास प्लेटलेट्स के कलेक्शन होते हैं, और बाजुकार जब थ्रोम्बस भी यहां से निकल जाता है, ठीक है, यहां से निकल जाएगा और ब्रेन की किसी ब्लड वेसल में जाके जो है वो फंस जाता है, तो उससे अचानक क्या होता है, अचानक स्ट्रोक की वजह से ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। हाँ, करने
एथ्रोस्क्लेरोसिस शुरू होती है, अगर एथ्रोमेटस प्लाक वहां से निकल जाए तो वहां पे चोट लग जाती है, सर हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स आके जमा होते हैं, फिर वहां पे प्लेटलेट्स आके जमा होते हैं, नहीं पैर, फिर वहां पे थ्रोम्बोसिस शुरू हो, और वो थ्रोम्बस भी टूट के वहां से निकल जाए, वो थ्रोम्बस इसी ब्लड वेसल को जाके ब्लॉक कर सकता है, वो फ्लोटिंग थ्रोम्बस कहलाता है एम्बोलस। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है बोले? एएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? बीएसडी। दिल में जैसे हम कहते हैं ना बच्चों की शुरुआत होती है, तो इसमें मुश्किल बात नहीं है समझने की, क्या लगी एएसडी दोनों एट्रिया के दरमियान शुरुआत, इससे क्या होगा, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो ऐसे बच्चे जो है वो नीले पड़ जाते, डिपेंड करता है सुराख का साइज कितना है, तो ऐसे बच्चे क्या होगा आपको नीले पड़ने में नजर आए, ठीक है। बीएसडी किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम या कोई और ऐसा केस आपने सुना होगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में, तो उनमें आमतौर पर ये बीएसडी मौजूद हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। पीडीए क्या होता है, परसिस्टेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ये हमारा हार्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी, पैदाइश से पहले हर बच्चे में ये ऑटो पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन कहलाता है डक्टस आर्टीरियोसिस। अगर ये पैदाइश के बाद भी बरकरार रहे, पहाड़ी इलाकों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये रास्ता बंद नहीं होता, तो ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे कम होता है, इस वजह से अगर ये रास्ता बरकरार रहे उसको हम नाम देते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। उसकी वजह से क्या होता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में There is the mixing of oxygenated and deoxygenated. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग होगी, उसको हम कहते हैं पीडीए यानी कि परसिस्टेंट। ओके, हार्ट ब्लॉक क्या कहलाता है, अच्छा अब मेरी बात यहां पे जरा सुनिएगा, मैंने अभी जो डायग्राम हटाई है ना जिसमें मैंने आपको यहाँ पे एथ्रोमेटस प्लाक बना हुआ दिखाया था, तो इस पे क्या करते हैं, स्टंट लगाते हैं। स्टंट कैसे लगाते हैं, वो मेटल का बना हुआ स्टंट जो होता है वो यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है,
इसी के साइज का यहां लेकर आते हैं और फिर उसको खोल देते हैं। जब खोल देते हैं तो वो स्ट्रैंड जो है वो क्या करता है, फैट्स को कोने में दबा देता है और ये रास्ता फिर खुल, ठीक है, ब्लड सप्लाई फिर कंटिन्यू हो जाती है। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। जब स्टंट लगाते हैं तो कंडीशन कराती है आपके पास एंजियोप्लास्ट। और बाईपास वाले केस में क्या होता है, उसी के जिस्म से एक और ब्लड वेसल लेती और वो ओपन हार्ट सर्जरी के जरिए यहां से आ जाते, ठीक है, ब्लड वेसल पैर में से निकालते हैं, यहां से निकालते, यहां पे ब्लॉकेज है, यहां पे स्टंट नहीं लग सकता। तो क्या होता है कि ये जो पैर से ब्लड वेसल निकाल लिए, यहां से बाईपास करके लगा, दिस इज कॉल्ड बाईपास फोर्मोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो बाईपास सर्जरी करके ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। ओपन हार्ट में हार्ट को ओपन करना जरूरी नहीं, बस ये कि जो थोरैसिक वॉल होती है इसको कट करते हैं, थोरैसिक कोज को एक तरफ करते हैं और फिर हार्ट तक पहुंच के सर्जरी करते हैं, इसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, बाईपास सर्जरी, ठीक है। अच्छा, और एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोग्राफी में मरीज के अंदर फ्लोरेसेंस डाई डाल के ये चेक करते हैं ब्लॉकेज किधर किधर मौजूद, उससे ये पता चलेगा कि मरीज की एंजियोप्लास्टी प्लान करें या एंजियो या आप कह सकते हैं कि बाईपास सर्जरी प्लान, उससे ये पता चलेगा, ठीक है। उस प्लानिंग में फिर आसानी होती है, उसको फ्लोरेसेंट डाई जो है वो इंजेक्ट करते हैं, उसको ये होता है फिर एक्सरे इमेजिंग के जरिए देख रहे होते हैं कि वो डाई आगे कैसे कितनी ज्यादा फैल रही है, फिल हो रही है। तो उसके बाद अंदाजा होता है कि मरीज के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आइदर बाईपास सर्जरी सजेस्ट करेंगे या एंजियोप्लास्टी सजेस्ट, ठीक है। चलें करें इसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, तो बीच में अगर उसके सुराख हो जाए, ये पैदाइश से पहले ही सुराख, हार्ट की डेवलपमेंट का डिफेक्ट, और पैदाइश से पहले हर बच्चे में ये वाला सुराख होता है, पैदाइश के टाइम में बंद हो जाता, लेकिन अगर बंद होने से रह जाए तो वो एएसडी कहलाता है, और अगर वेंट्रिकल के सेप्टम में डिफेक्ट होगा तो बीएसडी कहलाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, तो ये जो पेरिफेरी होगी ना वो नीली होगी, नीली होंगे बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से जो है वो, उनकी जो पेरिफेरी होंगी वो कैसी होंगी, वो नीली होंगी। बाद में बंद करने वाली बात नहीं, वो तो फिर सर्जरी करना पड़ेगी, हार्ट की सर्जरी इतनी आसान होगी। अगर ये सुराख बहुत छोटा होता है तो ये खुद ब खुद बंद होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लेकिन अगर बड़ा होता है सुराख तो फिर जो है वो सर्जरी करना पड़ती है, और ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी होती है, क्रूशियल सर्जरी होती है। और सही जिनको मतलब अगर ये बड़ा हो तो वो हो सकता है सर्जरी से पहले हो मर जाए, इसमें मतलब अगर ये सर्जरी से पहले क्या हो जाए, मर जाए, हाँ सर्जरी अगर सुराख बहुत ज्यादा पड़ जाए, ओके।
पीडीए एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है, देखिए मैंने एओर्टा बनाया है ना, पल्मोनरी आर्टरी बनाई, इन दोनों के दरमियान रास्ता मौजूद। पैदाइश से पहले ये हर बच्चे के कनेक्शन में कहलाते हैं डक्टस आर्टरियोसस। अगर ये रिटेन रहेगा तो उसको हम नाम देंगे परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसस। अच्छा आगे बढ़ जाए, हार्ड ब्लॉक किसे कहते हैं? अच्छा चलिए, आपको हार्ट ब्लॉक शायद ना पता हो, ये बताएं कि कभी किसी के बारे में सुना है कि उसको पेसमेकर या बैटरी लगी? ये भी नहीं सुना हूँ। अच्छा देखिए हार्ट के पास जो एसी नोड है, तो ये जो एबी नोड है या बंडल ऑफ इसे पर्किंजी फाइबर्स, अगर ये किसी वजह से जो है वो डेड हो जाए इसके सेल्स, कैसे लोगों को पेसमेकर लगता है? जिसका एसी नोड खराब हो जाए तो उसके यहाँ पे पेसमेकर लगेगा, उसका एबी नोड खराब हो जाए तो उसके लिए उसके पेसमेकर लगेगा। जिसका बंडल ऑफिस खराब हो जाए, जिसका पर्किंजी फाइबर खराब हो जाए, उसके यहां से जो है वो पेसमेकर। अब इसका पता कैसे चलता है? मैं अगर पल्स चेक करूंगा ना, सब छोटी से छोटी चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए, अगर यू पल्स चेक करूंगा ना, मेरी पल्स आएगी 70 से 80 के दरमियान। लेकिन खुदा ना खासा किसी को अगर हार्ट ब्लॉक हो जाए, उसकी पल्स तकरीबन 50 के करीब, 40 से 50 के दरमियान होगी। अब वो मरीज कंप्लेन करेगा कि मैं तो अचानक मेरे चक्कर आते हैं तो बेहोश हो जाता, और मेरे तो बहुत चक्कर आ रहा है तो बेड पे लेटा रहता हूँ, बेड पे हो तो अचानक गिर जाता हूँ। तो ये कंडीशन कहलाती है आपके पास हार्ट ब्लॉक। ऐसे मरीज को हार्ट ब्लॉक की भी टाइप्स है, हर एक के अंदर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसकी सब टाइप्स है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो पेसमेकर लग, ठीक है, पेसमेकर के बगैर जो है यहाँ पे गुजारा। पेसमेकर यहाँ पे जो है वो आपके पास सिमेंटेड। चलें ईसीजी में इस चीज का पता चल, इसके बाद मुझे आप में से कोई बताएगा कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? हाउ यू विल डिफाइन ब्लड प्रेशर? फोर्स विद विच हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉल्ड ब्लड प्रेशर। वो फोर्स जिसके साथ हार्ट जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट है, ये एओर्टा में ब्लड भेजता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, जिस फोर्स के साथ ये भेजता है ना, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो आपके पास होता है 120/80। पल्स किससे कहते हैं?
मैं अगर ये तीन उंगलियां रख के यहाँ महसूस करूंगा अंगूठे के नीचे वाली जगह पे, तो मुझे पल्स महसूस होगी। यहाँ रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है, तो मैं उससे क्या करूंगा, उससे अपनी पल्स कैलकुलेट कर सकते। पल्स कहते हैं रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टीरियल वॉल, रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टीरियल वॉल विद द पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट की पंपिंग के साथ। ये रिदमिक एक्सपेंशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास पल्स। और अगर मैं इसमें यहां पे ऐड कर दूं इन अ मिनट कॉल्ड पल्स रेट, ठीक है, चलें, पल्स आना चाहिए, पल्स रेट आना चाहिए। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं परसिस्टेंट हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन। अगर मुसलसल किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे 140/90 से ज्यादा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। परसिस्टेंट हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन हाइपरटेंशन, ठीक है, 140/90 से अगर बढ़ा हुआ हो उसको हम नाम देंगे पर्सन जो है वो हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह स्ट्रेस है, सॉल्ट इनटेक है, सेडेंट्री, हर वक्त बैठे रहना, चलना फिरना नहीं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलें कर लें नोट कर लें। चलें अब इसमें आपको कोई और ऐसी चीज याद आ रही है जो मैंने छोड़ी थी लिम्फेटिक सिस्टम के अलावा? हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है वो हाइपोटेंशन कहलाता है। 100/60 से किसी का ब्लड प्रेशर नीचे रहता है, 100/60 ऐसे नीचे रहता है तो वो हाइपोटेंस। हाँ, बहुत बार ऐसे भी इनका हर वक्त रहता है। सर तो होता क्यों है? There are so many reasons. मायोकार्डाइटिस किसी को डिवेलप हो तो हार्ट के मसल बाद में इतने हद तक डैमेज हो चुके होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी है मायोकार्डाइटिस की वजह से। किसी को डिहाइड्रेशन हुई हो उसका ब्लड प्रेशर आपको लो भी रहे, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हुआ, ब्लड सॉल्ट बहुत ज्यादा लॉस हो गए, उसमें क्या आपको मिलेगा? आपको हाइपरटेंशन मिलेगा।
अच्छा किताब है आपके पास इसमें लिम्फेटिक सिस्टम छोड़ के बाकी सब चीजें देख लेंगे। ये तो आपके पहले से चीजें आ गई सर। ओपन टाइप सर्कुलेशन क्लोज टाइप सिंगल डबल आपके कोर्स में है। लेकिन कौन सी ओपन क्लोज और सिंगल डबल? हाँ तो फिर सिंगल डबल भी जरूरी नहीं है क्या? व्हाट एल्स यू फाउंड? ठीक है रिकैपिलरी स्फिंक्टर रोल्स द रोल पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम से। ठीक है इतना बेटा आपको रिकैपिलरी स्फिंक्टर याद रखना है तो आप याद रखें खाना खाने के बाद नींद आती है ना, पढ़ा नहीं जाता सही। ये देखिए ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होती है आर्टेरियोल्स के अंदर और फिर वो आपके पास कैपिलरीज बनाती है, फिर कैपिलरीज बनी और कैपिलरीज आपस में मिलके फिर वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स फिर मिलकर आपस में वेन बनाते हैं। ठीक है आर्टेरियोल कैपिलरीज वेन्योल और वेन सुनिएगा आर्टरी और वेन के दरमियान एक बाईपास चैनल भी मौजूद होता है। ठीक है और यहां पे आपके पास एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर कहते हैं रास्ता बंद करने वाली चीज, इसको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। अगर ये स्फिंक्टर बंद हो जाए तो खा ब्लड यहां से यहां डायरेक्टली चला, इसमें नहीं जाए। ठीक है तो स्फिंक्टर के खुलना और बंद होना जो है ना वो ब्लड को डिसाइड करता है कि वो इधर जाए कि नहीं। और ऐसा कब होता है? जिस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे हमें अलर्टनेस चाहिए, ब्रेन को ब्लड चाहिए, तो ब्लड जो है वो यहां से जाता है।
लेकिन जिस वक्त जरूरत है कि हमारे इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब करना है, तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है ये आपके पास ये खुल जाएगा, और फिर उसके बाद ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी, और कैपिलरीज के अंदर जाने के बाद खाना एब्जॉर्ब करेंगी। उससे हमारी अलर्टनेस मुतासिर होती है कि हम इनएक्टिव हो जाए, ठीक है, उससे हमारी अलर्टनेस मुतासिर होती है कि हम जो है वो इनएक्टिव हो जाए। तो ये आपके पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है इसका, ठीक है। इसके अलावा ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या है? ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन, ओपन टाइप सर्कुलेशन ऐसी सर्कुलेशन के को कहते हैं जिसमें ब्लड जो है ना वो ब्लड वेसल्स में मुकम्मल तौर पे फ्लो नहीं करता, बल्कि बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लो, इसको हम कहते हैं साइनसिस। इन दिस ब्लड सर्कुलेट्स इन ओपन बॉडी साइनसिस एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज। ये देखिए आपके सामने कॉकरोच के बारे में बता रहा हूं। कॉकरोच में 13 चैम्बर का हार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके अंदर 13 चैम्बर का हार्ट के कहते हैं 13 हार्ट्स होते हैं। ये ब्लड को आगे पंप करते हैं, फिर ब्लड इस स्पेस में आ जाता है, ये स्पेस कहलाती है साइनस, और यहां पे ब्लड टिश्यूज के साथ, यहाँ पे ब्लड जो है वो टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी साइनसिस एंड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज, और फिर यहां से सुराख होता है, यहां से फिर वापस चला जाएगा ब्लड, तो यू सर्कुलेट करता है। उसके बदले क्लोज टाइप सर्कुलेशन की बात करें, इन दिस ब्लड सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड फ्लो करता है क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं हार्ट फॉर्म के अंदर, तो ये 4 ट्यूबुलर हार्ट्स होते हैं इसके अंदर, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल, और ब्लड जो है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और इसके बाहर नहीं, ठीक है। ठीक है, आती है क्लोज टाइप सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी है, मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, बस सिर्फ आपको रियलाइज कराने की जरूरत है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। मैंने आपको जो कार्डियक साइकिल आज समझाई है उसी को पढ़ने का एक अंदाज यह है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला गया लंग्स, कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यहां जो ब्लड गया है डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो पल्मोनरी वेन्स के जरिए, 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए वो वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर आपके पास कहां चला जाएगा? पूरी बॉडी में चला जाएगा। दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके पास एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, तो हम उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, आपको न्यूट्रिशन के चैप्टर में बताकर आ रहा हूं, ये हमारा जीआईटी है, ठीक है, हमारा जीआईटी है, ये हमारा लिवर है। ईलियम के लेवल पे छोटी छोटी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? पोर्टल वेन बनाती हैं,
जो लिवर में जाके मजीद कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, इसको नाम देते हैं हम टोटल वेन। तो ये सिस्टम हमारा कहलाता है हिपेटिक टोटल सिस्टम, ठीक है, दिस इज नोन एज हिपेटिक टोटल सिस्टम। अच्छा, सिंगल और डबल सर्कुलेशन क्या होती है? जब आपने इतनी बात सुन ली ना, तो आपके अगर नॉलेज के लिए सुनेंगे तो आपके काम आएगी। ये मछली का दिल है, मछली के दिल के सिर्फ दो चैम्बर्स होते हैं। पूरी बॉडी से ब्लड आता है मछली के दिल में। कौन सा ब्लड आता है? डी ऑक्सीजनेटेड। फिर यहां से जाता है गिल्स के अंदर, गिल्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बॉडी में जाता है। ठीक है, फिर ये आपके पास बॉडी में जाता है। चूंकि हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आ रहा है, उसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और मैंने जो आपको अभी यहां पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन बताई ना, अगर आप उसपे गौर करें कि पहले इंसान के राइट साइड पे ब्लड आता है, फिर लंग्स में चला जाता है, फिर लंग्स से दोबारा लेफ्ट साइड पे आता है, फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। तो हार्ट में ब्लड दो बार आ रहा है, इसलिए इंसानों की जो ये सर्कुलेशन है ये कहलाती है डबल सर्कुलेशन, इन विच ब्लड विजिट हार्ट ट्वाइस। मछलियों के अंदर क्या है कि सिर्फ हार्ट में एक बार ब्लड आएगा, गिल्स में जाएगा, फिर गिल्स से बॉडी में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में, फिर दोबारा से गिल्स में जाएगा। तो हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड आ, नहीं है बस। ये तो बहुत कॉमन है, तो ना ये क्लास 7 8 क्लास की किताब में लिखा मिलेगा आपको, सिंगल डबल सर्कुलेशन। मैंने तो सिर्फ रिवाइज कर रहा है। चलिए, अच्छा मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि और क्या रहेगा इसमें। एंजाइना की बात हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस बात हो गई, हार्ट अटैक की बात हो गई, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम यानी पैदाइशी तौर पे जो हार्ट प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात हो गई, एंजियोग्राफी के बारे में बात हो गई, कोरोनरी बाईपास की बात हो गई, एंजियोप्लास्टी की बात हो गई, ओपन हार्ट कर दी, हाइपरटेंशन की बात हो गई, पोस्टर हाइपोटेंशन में आपको बता देता हूँ पोस्टर हाइपोटेंशन क्या होता है। ईसीजी का वर्ड किसकी शॉर्ट फॉर्म है? उसके बाद आप ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या इस हवा की नॉर्मल बातें कर रही हूँ? कह रही लिख रहा है इतना लिख रही हूँ।
मैंने जितनी भी डेफिनेशंस बोली है ना, मैंने आपको जो नोट्स ऑफर किए थे ऐसा सब उसमें लिखी हुई है डेफिनेशन, इन केस कभी आपको लगे कि कोई डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम कर रही हो, सही से आपने लिखी नहीं है प्रॉब्लम। ये सब स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, ये बुक टू में वेरिएशन ही है। अब 10 किताबों पढ़ लेंगे वो पेज टाइप सर्कुलेशन वो सब 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 चीजें सेम ही से। पूरा ये वाला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम है, सिम बोर्ड का बिल्कुल सेम, पूरी ईसीजी वगैरह मार्किंग सब चीजें बिल्कुल सेम। ओके, थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन भी बताया कि व्हाट इज थ्रोम्बोसिस, मैंने भी बताया था प्लेटलेट्स एक्युमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो क्या हो जिसकी ऐसे ब्लड वेसल दो हाइपोटेंशन किसे कहते हैं। देखें कोई मेरा भी ब्लड प्रेशर ले से रीडिंग नोट पर, मैं जैसे ही खड़ा हूं दोबारा ब्लड प्रेशर दे, जो लोग पोस्टुरल हाइपोटेंशन सफर करते हैं उनमें क्या होता है, अभी दोबारा ब्लड प्रेशर देंगे तो वो ब्लड प्रेशर कम आएगा, जो कहते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। अगर किसी यंग पेशेंट के अंदर पोस्टुरल हाइपोटेंशन है कि खड़े होने के साथ उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये कंप्लेन करेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। किसी यंग पेशेंट में तो आमतौर पे जिनको अल्सर होते हैं ना पेट में, तो वो आमतौर पे जीआई की अल्सर की वजह से पोस्टुरल हाइपोटेंशन जो होता है, ठीक है, तो यूजुअली सफर पोस्टुरल हाइपोटेंशन, ठीक है, वो लोग पोस्टुरल हाइपोटेंशन जो हो सकता है। किसी को कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो भी पोस्टुरल हाइपोटेंशन सफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और हाइपोटेंशन आम लैंग्वेज में इसलिए नुकसानदेह होती है कि किडनीज को अगर प्रॉपर ब्लड मिलेगा तो यूरिन बनेगा, वरना तो वो ब्लड फिल्टर ही नहीं करेगी। जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं तो मसला मसला यही तो है कि हार्ट की फोर्स बढ़ाई जाती है, अगर हार्ट ही सही काम नहीं कर रहा है तो यूरिन कैसे डेवलप होगा, यूरिन डेवलप नहीं होगा तो यूरिया बॉडी में रिटेन होगी, यूरिया बॉडी में रिटेन होगी पर्सन वैसे ही आपके पास उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी अगर यूरिया बॉडी के अंदर रिटेन, ठीक है। चलें लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ आपको बिठा सकते, लिम्फेटिक सिस्टम, सिस्टम ऑफ लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल्स, लिम्फ, लिम्फेटिक ऑर्गन्स,
एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, मैंने भी आपको जो आर्टरी और वेंस के बारे में बताया है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम का बना रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारी बॉडी में जितना भी एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के लेवल, जिसमें से कैपिलरीज में से प्लाज्मा बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन जिससे हमें मिलती है, जिससे हमें ग्लूकोज वगैरह मिलता है, न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है, और यूरिया ब्लड के अंदर चला जाता है। सारी एक्सचेंज हमारी कहाँ पे होती है? कैपिलरीज के लेवल। जो चीज ब्लड वेसल्स में से बाहर आती है, 85% वो वापस चली जाती, 15% यहीं पड़ी रह जाती। कहाँ? यहीं की जगह क्या है? इंटरस्टीशियल स्पेस। 15% जो वो इंटरस्टीशियल स्पेस में पड़ी रह जाती। अब जो 15% बेटे इंटरस्टीशियल स्पेस में पड़ी रह जाती है, उसको दोबारा से सर्कुलेशन में लाना जरूरी है। तो दोबारा से सर्कुलेशन में लेकर आने के लिए, ये देखें, यहाँ पे ब्लाइंड चैनल से मौजूद होते हैं, जिनमें वैल्व्स भी होते हैं, इनको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। तो ये जो 15% है, ये कहाँ चला जाता है? ये लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है। जब ये लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है, तो इस तरह से ये, अब ये लिम्फ वेसल कहाँ जाएगी? मैंने भी आपसे हार्ट के बारे में बात की है, हमारे हार्ट में ये सुपीरियर वेना कैवा मौजूद है, ये वाली लिम्फ वेसल मेजर लिम्फ वेसल के अंदर ड्रेन होगी, और मेजर लिम्फ वेसल के अंदर ड्रेन होने के बाद वो कहाँ ड्रेन हो जाएगी? वो जाके ड्रेन हो जाएगी सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, वो जाके ड्रेन हो जाएगी कहाँ पे? सुपीरियर वेना कैवा। इस तरह से वो सर्कुलेशन में फिर से आ जाएगी। लेकिन अगर ये 15% यहीं पड़ा रहा, इससे क्या होगा? और सर्कुलेशन में नहीं गया, पूरी बॉडी एडिमेटिक्स, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाए। फिलेरियासिस एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, फिलेरिया लार्वा क्या करता है, दोनों पैरों की जो लिम्फेटिक्स होती है उसको ब्लॉक करता है। जब दोनों पैरों की लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाती है, तो दोनों पैरों की लिम्फेटिक्स के ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है? दोनों पैरों की लिम्फेटिक्स के ब्लॉकेज होने की वजह से पांव उतने मोटे मोटे हो जाते हैं, गुमान होता है शायद हाथी का पैर। कंडीशन आई होती है वो कहलाती है एलीफेंट्रियासिस, शायद आपने नाम सुना। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम का असल में काम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में आपके पास रस्ते में जगह जगह लिम्फ नोड आती हैं। ये देखिए, लिम्फ नोड्स में एफरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं जो लिम्फ लेकर आती हैं, और फिर उसमें से निकलती हैं इफरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, उसमें से निकलती हैं इफरेंट लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ को आगे लेके जाती हैं। जो लिम्फ लेकर आती है उनमें एंटीजन्स मौजूद होते हैं, वो एंटीजन लिम्फ नोड्स के अंदर प्रोसेस होती है। अब मैंने आपसे जो मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और एंटीबॉडीज के बनने की बात की थी, वो सारा काम यहाँ पर लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। बोन मैरो से जो व्हाइट ब्लड सेल्स निकलते हैं, वो सारे एक जैसे होते हैं, उनमें आपस में जो फर्क है, CD4 सेल्स, CD8 सेल्स जो बैचेस करते हैं, वो भी आपके पास लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, जितने मेमोरी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स बनेंगे, वो सब के सब लिम्फ नोड्स के अंदर। हमारी बॉडी में जगह जगह, इवन कोई ब्रेन के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर लिम्फ नोड्स ना हो। यहाँ पे देखें, इस जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ कान के पीछे लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ इस जगह पे लिम्फ नोड्स हैं। बॉडी में हर जगह हमारे पर लिम्फ नोड्स मौजूद है। कभी अगर यहाँ पे इवन हाथ में कोई चोट लग जाए, आप कभी महसूस करेंगे, तो यहाँ पे गुठलियां ऐसी बन जाती हैं सारी लिम्फ नोड्स। आप मुंह खोल के देखें, अगर आईने में, तो टॉन्सिल नजर आएंगे, टॉन्सिल आर आल्सो द लिम्फ नोड्स। ठीक है, टॉन्सिल भी लिम्फ नोड्स कहलाते हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है वो सफेद रंग का होता है, ऑफ वाइट कलर का होता है? ये जो फ्लूइड होता है ये कहलाता है लिम्फ, ठीक है? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज लिम्फ। जो हमारी लिम्फ वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिम्फ। और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो मूव कर रहा, ठीक है? अच्छा, अब इनका बेसिक काम क्या है? मैंने लैक्टियल्स की शक्ल में आपसे बात की थी कि देखिए एक विलस है, ये बीच में लैक्टियल है, यहाँ पे आपके पास ये आर्टेरियोल है, ये वेन्यूल है। मैंने आपसे फैट्स के बारे में बात की कि फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लैक्टियल्स के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ मसल्स या काइलोमाइकोट्स। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका अहम काम आपके पास है रिलीफ ऑफ एडिमा। किसी जगह अगर आपको चोट लग जाए, स्वेलिंग हो गई, कुछ दिनों के बाद गायब हो गई, तो वजह यह है कि वो जो फ्लूइड इंटरस्टीशियल स्पेस में जमा हो गया था वहां की जो लिम्फेटिक है उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन करके उसको वापस सर्कुलेशन में लेकर आए। दूसरा काम आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के अंदर रोल प्ले करती है, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जो मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन करती है, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दीज आर लिम्फोसाइट्स। तो आर्टरीज और वेन्स के जाल के अलावा याद रखिए, मेडिकल में इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो आप हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी आर्टरियल सप्लाई क्या है, इसकी वेन सप्लाई क्या है, लेकिन आप उसके साथ साथ एक और हेडिंग होगी इसकी लिम्फ सप्लाई क्या है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? पूछे कोई बात पूछ लीजिए। हमारी स्प्लीन भी लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर आती है, थाइमस लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर, टॉन्सिल लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, एडेनोइड डिवाइड फ्रॉन्टोमोटर लिम्फेटिक ऑर्गन्स के आते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ईलियम के साथ बहुत सारी लिम्फ नोड्स हैं, वो कहलाती हैं पियर्स पैचेस, ठीक है? पियर्स पैचेस कहलाते हैं। जगह जगह पूरी बॉडी में आपको, हमारी बॉडी में जो है वो आपको ये लिम्फ नोड्स का पूरा जाल बिछा हुआ मिलेगा। हमारा जो इवन के लंग्स के जो बेसिस है ना, जहाँ ब्रोंका है वहां पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स का जाल बिछा हुआ होता है। खुदा ना करे इसको टीबी अगर हो जाए, एक्सरे के अंदर आ रहा होता है कि वहां पे जो है वो लिम्फ नोड्स जो है उनकी एनलार्जमेंट हुई भी होती है, वो साइज बड़ा होता है अगर किसी को टीबी वगैरह हुई, ठीक है? ठीक
अधूरा अधूरा है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आप बेटा कह दो, पार्क मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा नाम भी हम तीनों के नहीं पता कि कौन क्या बनना चाह रहे हैं आप। वो प्रगति नहीं बस कर बस दे, मैं घड़ी पे नजर है मेरी, 5:25 में आपको छोड़ दूंगा। अभी मतलब मेरा टाइम के 5 मिनट पहले नमाज के बाद छोड़ दूँ, लेकिन ये है कि वो उससे पहले नहीं छोड़ सकता। और भी बात चले, मुझे एक डायग्राम उसमें दी दी उसका मार्केट नहीं रहना बहुत अच्छी बनती है। मैंने आपसे यहाँ पे कैपिलरी एक्सचेंज की बात की है, उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है ये कैपिलरी। इस कैपिलरी के अंदर अगर कोई ब्लड सेल दिखाया गया, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल है। अच्छा न्यूट्रोफिल की खास बात ये है कि वो दरमियान में स्पेसिस में ऐसे निकल के बाहर आ रहे हैं, इसमें से इनको निकल के बाहर आ रहे हैं। ये रेड ब्लड सेल है इस तरह को बायोकॉन्वेक्स होते हैं प्लेटलेट्स इन मास्ट सेल्स, बकायदा इसमें से यूं स्क्वीज होके आ रहे हो, व्हाइट ब्लड सेल इसमें से निकल निकल के बाहर आ रहे। ये प्लाज्मा है, ठीक है, ओवरऑल ब्लड। मैंने आपसे जो कहा कि 85% चीजें निकल के बाहर आती हैं, 100% चीजें जो भी निकल के बाहर हैं, 85% वापिस चली गई, उसमें आपके पास कुछ व्हाइट ब्लड सेल भी बाहर आ रहे, लेकिन उस 100% में से 85% बाहर आप वापिस आ जाए, 85% वापिस अंदर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और 15% यहीं पड़ा रहेगा। तो ये जो ड्रेन करना है ना, वो 15% और यहाँ पे सेल दिखाएगी, ये नॉर्मल बॉडी सेल्स, ये देखो। और ये एक्सचेंज क्यों जरूरी है, अगर ये एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन खाना वगैरह कैसे मिले। ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है ये कहलाती है इंटरस्टीशियल स्पेस, ठीक है, ये कहलाती है इंटरस्टीशियल स्पेस। अभी जो मंडे वाली जो क्लास है वो एक पीरियड मैंने और भी पढ़ा दिया आपको, सर ऐसे में शायद पढ़ा दिया तो ऑलरेडी 2 पीरियड से एक पीरियड पे 3 पीरियड दो जी बजे नहीं, हाफ शेड आएंगे 2:50 पे, 2:50 पे आपकी क्लास 3:25 से होती है, 2:50 पे पौने 3 का ही दिन रखे ज्यादा बेहतर कौन। सर 12 सेक्टर्स के 12 सेक्टर्स हाँ 12 रिसेप्टर, मुझे याद ही रहा था कि 12 रिसेप्टर बिठा दो। बारह रिसेप्टर्स ही बताऊंगा, कीमो रिसेप्टर्स ही बताऊंगा। ये हमारा हार्ट है, ये एओर्टा है, एओर्टा के साथ यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया होता है, तो ब्लड वैसा निकल के जा रही होती है, कहलाती है कैरोटिड बॉडी। इस कैरोटिड बॉडी में 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कहलाते हैं बारो रिसेप्टर, बारो का मतलब प्रेशर नापने वाले रिसेप्टर, और एक होते हैं कीमो रिसेप्टर।
कीमो रिसेप्टर्स आपको पीछे बताकर आ रहा हूँ ऑलरेडी, जो हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई होती है ब्लड में उसको डिटेक्ट कर रहे। और जो बारो रिसेप्टर्स हैं ये दरअसल ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है उसको नोट कर रहे होते हैं, और जो प्रेशर जो इस प्रेशर के साथ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड भेजा उसके प्रेशर को नोट। तो प्रेशर मेजरिंग रिसेप्टर्स यहाँ पे आपके पास मौजूद होते हैं, यहाँ से नर्व जाती है ब्रेन के मेडुला पे और फिर उसको ये इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि हमारे हार्ट को कि नंबर ऑफ बीट्स या कितने फोर्सेस आप कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम कॉन्ट्रैक्ट करना है, ज्यादा, वो सब चीजें आपके पास यहीं से सिग्नल होती है। एओर्टा के साथ वो ब्लड वेसल जो ब्रेन की तरफ जा रही है वो कौन सी ब्लड वेसल होती है, कैरोटिड आर्टरी, जो ब्रेन को लड़ सकता है। एक ब्लड वेसल यहां से निकलती है जो हमारे हाथों में जाती है उस पे नहीं, लेकिन जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही होती है उसमें ये कैरोटिड बॉडी होती है, कैरोटिड बॉडी के अंदर ये बारो रिसेप्टर्स। ठीक है, प्रेशर ना ठीक है, और भी बात हो तो पूछ, तब तक नोट करें और भी दवाई देने आते हैं।